अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं सादिक गेम यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप पबजी मोबाइल को ऑफलाइन किस तरह से इंस्टॉल करेंगे गेम लूप वर्जन 3 में। भाई अगर आप गेम लूप वर्जन 3 में पबजी मोबाइल को डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका डाटा भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप पबजी मोबाइल को डाउनलोड किए बगैर किस तरह से गेम लूप वर्जन 3 में इंस्टॉल करेंगे। सो भाई पबजी मोबाइल को ऑफलाइन इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए पबजी मोबाइल की एपीके, ओबीबी एंड डाटा। तो ये तीनों फाइल आपको कहाँ से मिलेंगी? तो भैया अगर आपके डिवाइस में पबजी मोबाइल इंस्टॉल है तो उससे आपने पबजी मोबाइल के एपीके, ओबीबी एंड डाटा को पीसी में कॉपी करना है। सो अगर आपको नहीं पता कि पबजी मोबाइल एपीके का बैकअप कैसे लेना है तो इसके लिए आपके फोन में ईएक्स फाइल स्टोर इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपने ईएक्स फाइल स्टोर को ओपन करना है, उसके बाद आपने ऐप में आ जाना है और यहाँ से आपने पबजी मोबाइल एपीके को सेलेक्ट करना है और आपने बैकअप पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप एपीके का बैकअप ले सकते हैं। तो आपने बैकअप के फोल्डर में आना है, उसके बाद ऐप, तो यहाँ पर पबजी मोबाइल एपीके का बैकअप है। तो आपने एपीके को पीसी में कॉपी करना है, उसके बाद आपने एंड्रॉयड के फोल्डर में आना है एंड ओबीबी कॉम डॉट टिनसिन डॉट आईजी। तो आपने इस फोल्डर को पीसी में कॉपी करना है, उसके बाद आपने डाटा के फोल्डर में आना है, यहाँ पे कॉम डॉट टिनसिन डॉट आईजी। तो आपने इस फोल्डर को भी पीसी में कॉपी करना है। तो मैंने पहले से तीनों फाइल को कॉपी किया हुआ है, ठीक है। ओके भाई, तो आप माई गेम्स पर क्लिक करें। सो यहाँ पर फोल्डर का आइकन है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, तो आपने पबजी मोबाइल एपीके को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओके भाई, तो पबजी मोबाइल इंस्टॉल हो रहा है, तो वेट करते हैं। ओके भाई, पबजी मोबाइल इंस्टॉल हो गए, तो ये ओपन हो रहा है, तो आपने यहाँ से क्लोज कर लेना है। सो अब आप इग्नाइट की प्रेस करें। अब आपने ये ईएक्स फाइल एक्सप्लोरर को इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए आपने ब्राउजर पर क्लिक करना है और गूगल में आपने लिखना है ई एक्स फाइल एक्सप्लोर। तो आपने अप टू डाउन वेबसाइट से डाउनलोड करना है, तो आप लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करें, उसके बाद डाउनलोड। तो ई एक्स फाइल एक्सप्लोर डाउनलोड हो रहा है, तो हम वेट करते हैं। ओके, तो अब आप डाउनलोड्स में आ जाए, तो चलिए ई एक्स फाइल एक्सप्लोर को इंस्टॉल करते हैं। ओके भाई, तो अब आपने ओबीबी एंड डाटा इन दोनों फोल्डर को आपने यहाँ से मूव करना है। तो आपने टीम के फोल्डर में आना है, उसके बाद चीज गेम डाउनलोड एंड मोबाइल गेम पीसी शेयर, तो यहाँ पे आपने मूव करना है। तो चलिए अब ईएक्स फाइल स्टोर को ओपन करते हैं। ओके, तो इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करें। अब आपने रूट में आना है, तो इसके लिए आपने बैक स्लैश पे क्लिक करना है। रूट में आने के बाद आपने डाटा के फोल्डर को ओपन करना है, उसके बाद शेयर वन, तो आप इस फोल्डर को ओपन करें। ओके, तो आप ओबीबी के फोल्डर को ओपन करें, com.tinsyn.ig, तो आपने इस फोल्डर को यहाँ से मूव करना है। तो आप फोल्डर को सेलेक्ट करें, उसके बाद कट पे क्लिक करें। सो अब आप बैक आ जाए, एंड्रॉइड के फोल्डर को ओपन करें। सो यहाँ पे आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है ओबीबी के नाम से, तो इस फोल्डर में आपने मूव कर लेना है। तो भाई इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो आपने वेट करना है। सो अब आपने डाटा को भी मूव करना है, तो आप सेम रूट में आ जाए, उसके बाद डाटा शेयर वन, तो यहां से इस फोल्डर को आप कट करें, एंड्रॉइड के फोल्डर में आ जाए, उसके बाद डाटा, तो यहां पे आप पेस्ट कर लें। ओके भाई, तो इस तरीके से आप पबजी मोबाइल को ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं गेम लूप वर्जन 3 में। तो चलिए पबजी मोबाइल को ओपन करते हैं। तो आप परमिशन को अलाउ करें, चलिए फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करते हैं। तो भैया आप देख सकते हैं हमने डाउनलोड किए बगैर पबजी मोबाइल को इंस्टॉल कर लिया गेम लूप वर्जन 3 में। तो इस तरीके से आप पबजी मोबाइल को डाउनलोड किए बगैर गेम लूप वर्जन 3 में इंस्टॉल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास पबजी मोबाइल के एपीके, ओबीबी एंड डाटा होना चाहिए। सो गेम इंस्टॉल करने के बाद भाई अगर आपके पीसी में की मैपिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपने कंट्रोल में आना है और यहाँ पे जो लेआउट है आपने इसको चेंज करना है। या तो आप यहाँ से रिसेट कर लें या फिर आप दूसरा लेआउट को सेलेक्ट करें। सो भाई आप देख सकते हैं सभी की वर्किंग है। तो इस तरीके से आप पबजी मोबाइल को ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं गेम लूप वर्जन 3 में। सो होपफुली ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।